से उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान आयोजित युवा कुंभ जो कि 23 दिसंबर को काशीराम स्मृति स्थल आशियाना लखनऊ में संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में देश भर के 5000 से ज्यादा युवा आए और उन्होंने अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की। 22 तारीख को दो कार्यक्रम पहले रखे गए थे, दो पैनल डिस्कशन किए गए थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, दो अलग अलग सत्र चले, उसके बाद मंचन हुआ चाणक्य का मनोज जोशी जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा। और आज 23 दिसंबर को इस पूरे कार्यक्रम में चार अलग अलग सत्र चले, जहां उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे योगी आदित्यनाथ, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, और वहीं अध्यक्षता कर रहे थे इस कार्यक्रम की राज्यपाल राम नाईक। इसके बाद का सत्र चला जिसमें सुनील अम्बेकर जी जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। इसके बाद लंच हुआ, लंच के बाद एक बार पुनः तीसरा सत्र जो काफी रोचक था, जिसमें सिल्वर मेडल ओलंपिक में प्राप्त करने वाले भारत के पहलवान सुशील कुमार ने अपना उद्बोधन दिया। इसके बाद फिर विजेंद्र जी आए, विजेंद्र जी ने भी अपना उद्बोधन दिया। इसके बाद फिल्म क्षेत्र से मधुर भंडारकर ने भी युवाओं को संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान युवा काफी उत्साहित और रोमांचित दिखे। बीच बीच में भारत माता की जय के जयकारे के नारे से पूरा पंडाल रोमांचित हो उठता था। आखिरी और समापन सत्र जिसके मुख्य अतिथि थे राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ के सांसद और भारत के गृह मंत्री हैं, इसके अलावा दत्तात्रेय हसबोले जो कि सरकारवाह हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनकी भी मौजूदगी थी मंच पर। इसके अलावा कृष्ण जो कि बालकृष्ण जी हैं पतंजलि पीठ के सीईओ वो भी मौजूद थे, तो स्मृति ईरानी थी, श्री हरि बोरिकर थे, रवि किशन थे, तमाम हस्तियां थी जिन्होंने, इसके अलावा दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने भी युवाओं को संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में एक नारा लगा युवाओं के द्वारा कि मंदिर मंदिर बनवाएगा वो उसी को जाएगा। इस नारे के कारण राजनाथ सिंह को 10 मिनट तक लगभग अपने भाषण रोकने पड़े, काफी ज्यादा उत्साहित होकर युवा यह बात रख रहे थे। तो एक संदेश देश भर के युवाओं ने साथ सरकार को, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार को भी देने की कोशिश की कि मंदिर के नाम पर राजनीति अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती, खासकर युवाओं के द्वारा, और मंदिर पर जल्द फैसला हो। तो इन मंच से भी एक तरह से कोशिश की गई युवाओं को कि किस तरह से युवाओं का निर्माण हो। इस पूरे कार्यक्रम में विविध प्रकार से बताया गया कि कैसे भारत को आने वाले समय में भारत सबसे ज्यादा युवा भारत में होंगे तो वो किस तरह से इसका सार्थक उपयोग करके विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तमाम उदाहरणों के द्वारा सभी ने अपना अपना उद्बोधन दिया। लेकिन आखिरी जो सत्र समाप्त हुआ उसमें समाप्ति के बाद वंदे मातरम कराया गया और उसके बाद सत्र की समाप्ति हुई। इसके अलावा जो देश भर के युवा आए थे उनको एक एक बुकलेट दी गई है जिसमें कुंभ का लोगो उन्हें सप्रेम भेंट किया गया है, इसके अलावा उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई थी। ये चौथा कुंभ था वैचारिक कुंभ के लगातार 5 कुंभ वैचारिक कुंभ कराए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा। एक पर्यावरण कुंभ हो चुका है काशी में, इसके बाद मातृ कुंभ हुआ था मथुरा में, फिर उसके बाद अयोध्या में हुआ समरसता कुंभ, और चौथा कुंभ था युवा कुंभ जो कि लखनऊ में हो रहा है। इसके बाद सांस्कृतिक कुंभ होगा प्रयागराज की धरती पर 15 जनवरी से 5 मार्च। आइए चलते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में और साक्षी बनते हैं दुनिया के सबसे बड़े मानव सम्मेलन का। हम भी रहेंगे, कुंभ दर्शन हमारा लगातार एपिसोड चलता रहेगा, आप वहां से भी कुंभ के विषय में बारीकियों से समझ पाएंगे। आप देख रहे थे TNN 24x7। धन्यवाद।